नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। मैं रेनू वैद कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की पुस्तक को आपको पढ़ाऊंगी। तो राजनीति विज्ञान की पुस्तक का जो आपका सेकंड पार्ट है उसकी इकाई फर्स्ट है भारत का संविधान। पहले के वीडियोस में मैंने आपको संविधान सभा और प्रस्तावना के बारे में बताया था। आज हम चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, तो आप मेरे वीडियो को जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं मेरे वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और साथ में कॉपी रखें ताकि जो भी मैं बोर्ड में लिखवा रही हूँ उसको लिखते जाए। देखो बच्चों, आज अपना जो टॉपिक है वो है भारत का संविधान। क्या है भारत का संविधान, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान बनाया गया जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा इसको अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित किया गया। भारत का जो संविधान है बच्चों, इस भारत के संविधान को के एम मुंशी ने क्या कहा है, संविधान की कुंडली कहा है। संविधान की कुंडली कहा है किसको, संविधान की कुंडली कहा है। जबकि ठाकुर दास भार्गव ने किसको, भारत का जो संविधान है संविधान की कुंडली किसको कहा है, प्रस्तावना को कहा है। और इसी प्रस्तावना को आत्मा कहा है ठाकुर दास भार्गव ने। तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है बच्चों, उस प्रस्तावना में हमारे भारतीय संविधान का दर्शन हो जाता है। हमारा भारत का जो संविधान है समस्त भारतीय जनता में निहित है, समस्त भारतीय जनता को लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित शासन व्यवस्था प्रदान करता है। ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन हो, ऐसा हमारा संविधान प्रदान करता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के क्या थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संविधान के लिए कहा कि भारतीय संविधान उधारों का थैला है। उधारों का क्या है, थैला है, माना उधारों का थैला है। हमने विश्व के संविधानों से बहुत कुछ लिया है। ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन व्यवस्था ली, अमेरिका से हमने न्यायिक पुनरावलोकन लिया, इसके अलावा कनाडा के संविधान से हमने अलग चीजें ली, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए, मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए, जर्मनी से, दक्षिण अफ्रीका से, सभी संविधानों से हमने बहुत कुछ लिया है। आयरलैंड के संविधान, स्पेन का संविधान, सभी संविधानों से बहुत कुछ लिया है और उन्हीं का सम्मिश्रण करके हमने भारत के संविधान का निर्माण किया है जिसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे हैं। ऐसा है हमारा भारत का संविधान। और इसी भारतीय संविधान में डॉक्टर अंबेडकर का कोटेशन जहां से आपका चैप्टर का हेडिंग स्टार्ट होता है वो क्या कहता है, देखो, मैं अनुभव करता हूं कि भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य है, कि भारत की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी विविधताओं को ध्यान में रखते हुए हमने जिस संविधान का निर्माण किया है बच्चों, वो कार्य का संचालन करने योग्य है, भारत की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग है। शांति काल और युद्ध काल में देश की एकता को बनाए रखने वाला। प्रस्तावना में साफ कहा है बच्चों, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता के लिए आज संविधान सभा कृत संकल्पित होकर आत्मार्पित अधिनियमित करती है। ऐसा है भारत का संविधान। तो मैं अनुभव करता हूँ कि भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य है, शांति काल व युद्ध काल में देश की एकता को बनाए रखता है, ऐसा कहना है डॉक्टर अंबेडकर साहब का। तो के एम मुंशी ने, अब बात आती है बच्चों, हमारे भारतीय संविधान में ऐसी कौन सी चीजें हैं
कि हमारा भारतीय संविधान आज विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान माना जाता है। मैंने पहले के वीडियोस में आपको बताया था बच्चों कि संविधान का जनक है इंग्लैंड और लिखित संविधान का जनक है अमेरिका, लेकिन हमारा भारत की जो संविधान की विशेषताएं वो देखिए बच्चों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हमारा भारत का संविधान जो है बच्चों वो कह रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आप जानते हो हमारे भारत की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो पहला ही किस वर्ड से स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो यहां पर हम भारत के लोग, इसका मतलब है कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो किसके ऊपर समर्पित है, हम भारत के लोग समस्त जनता को समर्पित होकर इस संविधान का निर्माण किया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व जनता में नियुक्त किया गया है, समस्त जनता को ही समस्त अधिकार दिए गए हैं। चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि चुने जाएंगे, उन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलाया जाएगा, लेकिन जो भी राजनीतिक नेता होगा, जो भी जनप्रतिनिधि होगा वो जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। मतलब हमारी भारतीय जनता को संपूर्ण प्रभुत्व दिया गया है, संपूर्ण सत्ता दी गई है, संपूर्ण शक्ति दी गई है। तो समझ में आया बच्चों क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है, कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब भारत के लोगों में ही संपूर्ण शक्ति निहित है, समस्त जनता के लिए ही संविधान का निर्माण किया गया है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये है। बात आती है प्रस्तावना, जिसकी डिटेल मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था बच्चों, कि हमारे भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो इसकी आत्मा है, दर्पण है, कुंडली है, जिसको देखकर बालकर ने भी ये बात कही है, जिसको देखकर पूरा संविधान के दर्शन हो जाए, ऐसा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। क्या है प्रस्तावना, पिछले वीडियो में पढ़ा भी है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए, गणतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए उन सब में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, इसके अलावा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए कृत संकल्प होकर संविधान सभा ने इसको अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं। ये हमारी प्रस्तावना है, और हमने प्रस्तावना ली है बच्चों कहाँ से, यूएसए के संविधान से ली है, और इसी प्रस्तावना को हमने संविधान का ढांचा माना है। क्या माना है, संविधान का ढांचागत हिस्सा, कि संविधान की प्रस्तावना में ऐसे किसी भी शब्द को नहीं हटाया जा सकता जो कि मौलिक ढांचे का उल्लंघन करती हो। और इसी प्रस्तावना में अब तक केवल एक संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, और इसी 76 में तीन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था बच्चों, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये तीनों ही शब्द हमारी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गए बच्चों। तो हमारी प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो कब हुआ है, 1976 में, जब भारत में 42वां संविधान संशोधन हुआ, और इस 42वें संविधान संशोधन में तीन शब्दों को जोड़ा गया बच्चों, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवाद, सामाजिक आर्थिक समानता के समान अवसर उपलब्ध करवाना, गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटना, और समाजवाद का विचार देने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर आता है पंथ निरपेक्षता, किसी भी धर्म के रास्ते पर उपासना करने का अधिकार होना, राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के रास्ते को अपना सकता है, किसी भी उपासना को अपना सकता है, किसी भी उपासना करने के तरीके को अपनाया जा सकता है, राज्य द्वारा इसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अखंडता,
हमारा भारत बाहरी और आंतरिक दोनों मामलों में स्वतंत्र है। हम किसी भी बाह्य देश के नियंत्रण में नहीं है। हमारा भारत देश अखंड है और किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वो भारत से विलंब हो सके। जैसे यूएसए का संविधान कहता है कि अगर किसी भी राज्य को अमेरिकन यूएसए से कोई प्रॉब्लम है तो वो राज्य अलग हो सकता है, बट भारत में ऐसा नहीं है। भारत का संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है। वो कहता है भारत एक राष्ट्र है और भारतीय राष्ट्र अखंड है। तो हमारी प्रस्तावना में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। बाकी सबकी डिटेल मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। फिर आता है बच्चों विश्व का सबसे विशाल संविधान। बच्चों आज हमारा भारत का जो इतिहास, भारत का जो संविधान है बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आप जानते हैं अमेरिका का संविधान जो कि सबसे पुराना संविधान है, उसमें केवल 7 अनुच्छेद है। कितने हैं? 7 अनुच्छेद है। कौन से संविधान में? अगर हम अमेरिकन संविधान की बात करें बच्चों, तो अमेरिका का जो संविधान है उसमें केवल कितने हैं? 7 अनुच्छेद है। जबकि आप ऑस्ट्रेलियन संविधान की बात करें बच्चों, तो ऑस्ट्रेलिया के अमेरिका के संविधान में अगर हम बात करें बच्चों, तो अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128, कनाडा में 147 और दक्षिण अफ्रीका में 153। दक्षिण अफ्रीका में 153 अनुच्छेद है, कनाडा में 147 अनुच्छेद है, ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है उसमें 128 अनुच्छेद है और अमेरिका में केवल 7 अनुच्छेद है। लेकिन बच्चों हमारा जो भारत का संविधान है बच्चों, उसमें अनुच्छेद है 395। कितने हैं? 395। तो क्या है? अनुच्छेद है। अनुच्छेद है 395 और इसके बाद में अनुसूचियां है 12। अनुसूची है 12। मूल संविधान में 8, बाद में जोड़ी गई 4। अनुच्छेद कितने हैं भारतीय संविधान में? अनुच्छेद कितने बच्चों? 395 और बाद में जोड़ जोड़ करके बहुत सारे बना दिए गए हैं। लेकिन मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है। बाद में संविधान संशोधनों के माध्यम से इसमें कई चीजों को जोड़ भी दिया गया है। अनुसूची 8 मूल संविधान में थी, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई बच्चों। कौन कौन सी जोड़ी गई? देखो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं अनुसूची आपका नगरीय स्वशासन से संबंधित है। ये 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। इसके अलावा भाग की बात करें बच्चों, तो हमारे भारतीय संविधान में भाग है 22। इन सब तीनों चीजों को देखते हुए हमें पता चलता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, जिसमें 9 अनुच्छेद है 395, अनुसूची है 8 और 4 12 और भाग है 22। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि विश्व के सभी संविधानों को देखते हुए भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। तो 3 विशेषताएं हुई। चौथी देखो, लिखित व निर्मित संविधान। आपको पता है इंग्लैंड का संविधान है वो परंपराओं पर चल रहा है। किस पर चल रहा है बच्चों? परंपराओं पर चल रहा है। वहां का संविधान लिखा हुआ नहीं है, जबकि भारत का संविधान लिखित भी है और संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा। आपको पता ही है संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के तहत, पिछले वीडियोस में देख लिया आपने, और इसी संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। और ये संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। ठीक है बच्चों, तो संविधान सभा के द्वारा हमारे भारतीय संविधान को लिखा गया है, निर्मित है और आज भी हमारे पास में इसके दस्तावेज उपलब्ध है। नेक्स्ट आता है बच्चों संसदीय शासन व्यवस्था। देखो बच्चों संसदीय शासन व्यवस्था की ज्यादा डिटेल तो हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं बच्चों, तो इसके बारे में हमें पता भी होना चाहिए। इसकी विशेषता
विशेषताओं में क्या क्या चीजें आएगी। तो देखो, संसदीय शासन व्यवस्था, ध्यान रखना बच्चों, संसदीय शासन व्यवस्था हमने ली है ब्रिटेन से। कहां से ली है बच्चों? ब्रिटेन से। पहली प्रस्तावना हमने देख ली, प्रस्तावना कहां से ली? यूएसए से। तो दो चीजें आपकी क्लियर हो गई, क्या कि हमने प्रस्तावना ले ली यूएसए से। दूसरी क्लियर हुई आपको, संसदीय शासन हमने लिया कहां से? ब्रिटेन से। कहां से लिया बच्चों? ब्रिटेन से। अब क्या है संसदीय शासन? संसदीय शासन की अगर हम बात करें बच्चों, तो संसदीय शासन में तीन हिस्से होते हैं सरकार के। कितने हिस्से होते हैं बच्चों? संसदीय शासन में तीन हिस्से होते हैं और आपका एक होता है अध्यक्षात्मक शासन। ध्यान रखना, दो प्रकार का शासन होता है बच्चों, संसदीय शासन और अध्यक्षात्मक शासन। संसदीय शासन में क्या होता है कि बच्चों, जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका होती है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो होती है, उसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। क्या होती है? उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन व्यवस्था जो कि हमने ब्रिटेन से ली है, उसमें व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है कार्यपालिका। तो यहाँ पर तानाशाही शासन स्थापित नहीं हो पाता। आप सब जानते हो बच्चों कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद के जो मेंबर है वो है, ये सब कार्यपालिका के हिस्से माने जाते हैं। जबकि व्यवस्थापिका में बच्चों आपका लोकसभा, दूसरा आता है बच्चों क्या? राज्यसभा। आप सब जानते हो बच्चों, संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण बनाए रखती है, एक दूसरे में संतुलन बनाए रखती है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो कि यूएसए में है, यहां पर क्या होता है? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के सदस्य अलग अलग होते हैं। जबकि कार्यपालिका, यहाँ पर कार्यपालिका का जो मेंबर होता है वो व्यवस्थापिका का में से ही कार्यपालिका के सदस्य चुने जाते हैं, जबकि यहाँ पर व्यवस्थापिका के सदस्य अलग चुने जाते हैं और कार्यपालिका के सदस्य अलग चुने जाते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के मेंबर में से ही कार्यपालिका के सदस्यों को नियुक्त किया जाता है और ये कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति क्या होते हैं बच्चों? उत्तरदायी होते हैं। तो आपने देखा, संसदीय शासन, हमारे देश ने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है और संसदीय शासन व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है, और संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्यों में से ही कार्यपालिका के सदस्यों को चुना जाता है और कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति क्या होते हैं बच्चों? उत्तरदायी होते हैं। तो ये हो गया आपका पांचवा पॉइंट, संसदीय शासन व्यवस्था। अब बच्चों बात आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और फर्स्ट क्लास में मौलिक अधिकारों की बहुत अच्छी डिटेल जो है आपकी बुक में दी हुई है, उनको हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें, थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर विशेषताओं के तौर पर देख लेते हैं बच्चों। छठी विशेषता है मौलिक अधिकार। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर भारतीय नागरिक को इस बात का पता होना चाहिए। देखो बच्चों, मौलिक अधिकारों का जन्म हुआ 1215 में मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा से स्टार्ट होता है, 1215 में ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा जारी होता है और सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात करता है। तो मौलिक अधिकारों का जनक भी किसको माना जाता है? ब्रिटेन को माना जाता है। इसके बाद अमेरिकन क्रांति, फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता जैसे बुनियादी सिद्धांत दे दिए और इस मौलिक अधिकारों को आदान प्रदान किया। जबकि मौलिक अधिकार जो हमने लिए हैं बच्चों, वो यूएसए के संविधान से लिए। कहां से लिए हैं हमने जो मौलिक अधिकार लिए बच्चों? यूएसए के संविधान से लिए हैं। और हमारे भारतीय संविधान का भाग 3 पूरा का पूरा मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है, मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है भाग 3। और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इन मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो कि मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 है। एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है,
उस अधिकार का नाम है बच्चों संपत्ति का अधिकार। और इस संपत्ति के अधिकार को हटा करके धारा 301 में एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया है, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो आपने क्या देखा, मौलिक अधिकार ब्रिटेन की देन है, मौलिक अधिकार हमने यूएसए के संविधान से लिए, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 है, एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया और 301 में जोड़ दिया गया। कौन सा अमेंडमेंट करना पड़ा हमें, 44वां अमेंडमेंट, कब हुआ, 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया और इस 44वें संविधान संशोधन के तहत हमने मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को निकाल बाहर कर दिया। तो ये हमारे मौलिक अधिकार है, ये हर भारतीय नागरिक को स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार प्रदान करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार था बच्चों, उन संवैधानिक उपचारों में इन पांचों अधिकारों की रक्षा भी करता है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। तो मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान ने दिए हैं सबसे इम्पोर्टेंट है और भारतीय नागरिक को अधिकार प्रदान करते हैं, सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करते हैं। कौन से अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक भारतीयों में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य हैं, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय में भी जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों के साथ साथ कुछ निर्बंधन भी लगे हुए हैं, उन सब की डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। अब केवल मौलिक अधिकारों की विशेषताओं में हमने चर्चा करी थी तो इसलिए मैं मौलिक अधिकारों को इतना ही पढ़ाऊंगी। अब आगे जो विशेषता है वो है बच्चों मौलिक कर्तव्य, इनकी डिटेल भी अपन थोड़ी सी बता देती हूँ। वैसे मौलिक कर्तव्यों को भी हम अलग से पढ़ेंगे। देखो बच्चों, मौलिक कर्तव्यों की बच्चों अगर हम बात करें तो मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में है। काय में है, भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कहाँ मिलता है हमें, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमने बच्चों लिया सोवियत संघ से, कहाँ से लिए, सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्य लिए बच्चों। हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 कै में, भाग 4 कै में 51A में, भाग 4 के 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और हमारे भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, कितने थे, 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिनकी डिटेल हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। तो 10 ये जो मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान में, 86वां संविधान संशोधन हुआ बच्चों 2002 में, और इस 86वें संविधान संशोधन में पहली बार कहा गया और इसके अंतर्गत एक 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया कि हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध करवाना अभिभावक का कर्तव्य माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी हुई मौलिक कर्तव्यों की बात, कि मौलिक कर्तव्य हमने सोवियत संघ से लिए और भाग 4 के में इसका उल्लेख किया गया है 51A में, 51A में भाग 4 के में इसका उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, जबकि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो आज हमने विशेषताओं में पहली विशेषता देखी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरी देखी प्रस्तावना, तीसरी देखी विश्व का सबसे विशाल संविधान, चौथी देखी लिखित व नियमित संविधान, पांचवी देखी संसदीय शासन व्यवस्था, छठी देखी मौलिक अधिकार व कर्तव्य, सातवीं विशेषता है बच्चों नीति निर्देशक तत्व। क्या होते हैं बच्चों नीति निर्देशक तत्व, वो देखो, मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए बने हैं, किसके लिए बने बच्चों, मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए बने हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्यों को निर्देश देते हैं। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक व आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं, समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय को स्थापित कौन करता है बच्चों, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व
जिसका उल्लेख भाग चार में है। इसमें है भाग चार में है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। कहां से लिए बच्चों? आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। भाग चार में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका उल्लेख है और नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करते हैं, स्थापना करने के लिए राज्यों को निर्देश देते हैं। ये वाद योग्य नहीं है और ये हमने आयरलैंड के समाज स्थापित किए हैं और इसका मेन उद्देश्य है समाज में सामाजिक व आर्थिक न्याय को स्थापित करना। समाज में सामाजिक व आर्थिक न्याय को स्थापित करने के लिए बच्चों नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। तो आपने देखा नेक्स्ट विशेषता नीति निर्देशक तत्व। अब आती है बात समाजवादी राज्य। देखो बच्चों, समाजवादी राज्य का मतलब ही यहाँ पर यह है कि समाज में सामाजिक और आर्थिक रूप से जो खाई है उसको पाटना, सामाजिक जहां पर विभेद है उसको समाप्त करना, आर्थिक जहां पर विभिन्नता है उसको समाप्त करना, समाजवादी राज्य। नीति निर्देशक तत्वों में भी कुछ ऐसे अनुच्छेद मिलते हैं जो समाजवादी राज्य की स्थापना करते हैं। आप सब जानते हो सामाजिक, आर्थिक और राजनीति, इन तीनों क्षेत्रों में जो असमानताएं हैं उन असमानताओं को कम करना और समाज में सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करना, ये समाजवादी राज्य की विशेषता है। लेकिन हमारा देश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि समाजवादी राज्य की स्थापना हमें लोकतांत्रिक तरीकों से करना है, प्रजातांत्रिक तरीकों से हमें समाजवादी राज्य की स्थापना करनी है। रसिया की तरह हमें लोकतांत्रिक या बोल्शेविक क्रांति करके हमें समाजवादी राज्य की स्थापना नहीं करनी है, हमें लोकतांत्रिक तरीके से समाजवादी राज्य की स्थापना करनी है। और ये कब होगी? जब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इन तीनों प्रकार की समानता को स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। अब आता है बच्चों वयस्क मताधिकार, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, वयस्क मताधिकार की अगर हम बात करें बच्चों, तो हमारा भारतीय संविधान ये कहता है कि हर नागरिक जो कि 18 वर्ष का हो चुका है, वयस्क नागरिकता क्या कहती है, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार ये कहता है कि क्या कहता है, वयस्क मताधिकार कहता है कि हर व्यक्ति जो कि 18 वर्ष हो चुका है उसे मत देने का अधिकार है, मताधिकार का अधिकार है, राजनीति में भाग लेने का अधिकार है, 21 साल का होने पर चुनाव लड़ने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर चुनाव लड़ने से निलंबित नहीं किया जा सकता कि वो किसी धर्म से है, किसी जाति से है या कोई लिंग निर्धारण है, इस आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं 61वां जो संविधान संशोधन हुआ 1989 में, इस संविधान संशोधन में पहले आयु थी 21 साल, कितनी थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन में आयु कितनी कर दी बच्चों, 18 वर्ष कर दी मताधिकार की। और इस वयस्क मताधिकार का जनता को मत देने का जो अधिकार है उसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में इस बात का उल्लेख है कि जनता का वह नागरिक जिसने कितनी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली वो मताधिकार का हक रखता है। ठीक है, तो आज हमने भारतीय संविधान की 9 विशेषताएं देखी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रस्तावना, विश्व का सबसे विशाल संविधान, लिखित व निर्मित संविधान, संसदीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार व कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, समाजवादी राज्य और वयस्क मताधिकार। बाकी विशेषताओं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप चाहते हैं कि मैं कक्षा 12th के विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान इस पुस्तक को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवाऊं और आप बहुत अच्छे एग्जाम में नंबर गेन कर सके, और इस कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस जो आपकी चल रही है उसका आप पूरा फायदा उठाए, तो आप मेरे इस नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, शेयर्स कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूं और आपको पॉलिटिकल साइंस के इन टॉपिक्स को क्लियर करवा सकूं। धन्यवाद।